गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सीएस फाउंडेशन पास आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 25 जुलाई 2019 को ब्यूटीफुल वंडरफुल रिजल्ट अचीव किया है. और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुली पास होकर अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया एंड आल से सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी जो दिन रात प्रे करते थे भगवान से कि हमारा बच्चा पास हो जाए और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पहुंच जाए. एंड आई टेल यू वन थिंग, मेरे साथ आज विवेक गाबा सर बैठे हैं और हम दोनों ने यही सोचा था कि जो बच्चे अभी फाउंडेशन पास करके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आए हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है. और बहुत कुछ है जो उनको नहीं पता है, बहुत कुछ है जो अगर सही डिसीजन शुरू से नहीं लिया तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं. तो कैसे समझाया जाए, तो हम दोनों को इस बात की चिंता है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो बच्चा आया उसको सही गाइडेंस जरूर मिलनी चाहिए. एंड यस, वी हैव बीन ऑलवेज सेइंग, हम दोनों कहते हैं वी आर रेडी फॉर क्रिएटिंग योर गोल्डन फ्यूचर. और हम दोनों ही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज निकल कर आए इंडिया में और अच्छा फ्यूचर अपना क्रिएट करें. तो मैं गाबा सर को एक मिनट के लिए माइक पास ऑन कर रहा हूं, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कॉम्युनिकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ इंडिया, जितने भी सीएस के फाउंडेशन स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, जिनका रैंक है, अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, उनको मेरी तरफ से, गजरानी सर की तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. इवन आपके पेरेंट्स को भी, आपके टीचर्स को भी, जिन्होंने आपको, मतलब आपने उनको प्राउड फील करवाया. आपके पेरेंट्स भी कल बहुत खुश हैं, आपके टीचर्स भी बहुत खुश है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से एंड गजानी सर की तरफ से. अब मेनली क्वेश्चन जो यहां पर अब निकल के आता है कि अगर किसी बच्चे के सीएस फाउंडेशन निकल चुका है तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी होगी, वो सारी बातें आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गजानी सर को एक बार माइक देता हूं कि आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पर कौन कौन से स्टूडेंट्स आपके आगे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, क्या क्या सिचुएशन आपको देखनी पड़ेंगी, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, वो छोटी छोटी बातें आज हम यहां पर पूरा डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट कुछ बातें गजरानी सर डिस्कशन करेंगे, देन फिर मैं आपको बताऊंगा. एक चीज मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले बोलना चाहता हूं, फाउंडेशन की पढ़ाई जो आप लोगों ने की थी ना, वो बहुत कुछ 12th क्लास के साथ कनेक्टेड था आपका. मे बी दैट वॉज विल अकाउंटेंसी और इंग्लिश, एक थोड़ा सा लॉ का पार्ट थोड़ा सा अलग जरूर था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, लेकिन मोस्टली बहुत कुछ 12th क्लास के साथ कनेक्टेड था. तो लाइफ वॉज वेरी इजी. और फाउंडेशन आपने जहां से भी पढ़ा था या सेल्फ स्टडी की थी, तो मतलब मैं कहूंगा कि एक कंफर्ट लेवल ऑब्वियसली काफी अच्छा रहा होगा उस वक्त. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी टफ. और हम दोनों, वेल गाबा सर और मैं, स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहते हैं. हमारी ये एफर्ट होती है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं. और क्यों एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन का लेवल और एक्सपर्टीज का लेवल बेस्ट क्यों होना चाहिए, उसके दो रीजन है. एक तो सीएस कायदे से शुरू अब हुआ है और सीएस के अंदर जो अब सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, वो सारी जिंदगी आगे काम आने हैं, ट्रेनिंग में भी और जॉब में भी, प्रैक्टिस में भी आगे वो काम आने हैं. तो एक्सपर्टीज का लेवल यहां से शुरू हो जाता है. और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जितना सॉलिड होगा ना, मैं कहूंगा प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपकी लाइफ फिर कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो बेस बनेगा नॉलेज का, वो सारा प्रोफेशनल प्रोग्राम में फिर से यूज होगा, आपका रिपीट होगा बहुत कुछ उसके अंदर से. तो इसलिए हम दोनों की बहुत ज्यादा कोशिश रहती है, एफर्ट्स रहती हैं कि आपका एग्जीक्यूटिव इतना सॉलिड कर दिया जाए कि आपको लगे कि ओहो, मतलब वी आर बेस्ट इन इंडिया एंड वी आर रेडी फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो, वी आर रेडी फॉर सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम सब्जेक्ट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. पहली चीज जो यहां आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने ब्रॉडली नोटिस किया है इन माय ओन एकेडमिक करियर व्हाइल टीचिंग टू द सीएस स्टूडेंट्स फॉर सो मेनी नंबर ऑफ इयर्स, कि दो तरीके के स्टूडेंट्स देखता हूं मैं. नंबर वन, वो स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्टकट नोट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जो डायरेक्ट को टच नहीं करना चाहते हैं, जो डिटेल में लॉ की लैंग्वेज को या पार्लियामेंट की लैंग्वेज को टच नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं बस कुछ छोटा छोटा पॉइंट वाइज फॉर्म में मिल जाए, छोटे छोटे शॉर्टकट नोट्स, पतली पतली किताबें मिल जाए, पतली पतली बुक्स, कम से कम मटेरियल में ना खत्म हो जाए बस, हमारा, हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें सीएस की डिग्री चाहिए.
ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ना दो चीजें हो सकती हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है सामने। अब दो चीजें क्या हो सकती हैं, या तो वो स्टूडेंट गलती से हो सकता है लक फैक्टर की वजह से पास हो जाए, कभी एग्जाम बहुत आसान आ गया, और अगर वो पास हो गया और मैं कहता हूं अल्टीमेटली अगर वो सीएस भी बन गया, क्वालिफाई होने के बाद उसको लगेगा कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लॉ पढ़ना नहीं आता, लॉ को इंटरप्रेट करना नहीं आता, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ पूछते हैं वेल इमीडिएटली स्टूडेंट्स को सेक्शन की इंटरप्रिटेशन बताओ तो वो नहीं आता, मतलब एंड आई टेल यू वन थिंग, फिर वो बोर्ड मीटिंग में जब आपके साथ चमत्कार होगा ना और चमत्कार पे चमत्कार होगा तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये शॉर्टकट में पढ़ने वाला स्टूडेंट जो बेरेक्ट को टच नहीं करता और शॉर्ट नोट्स पढ़ता रहता है, अगर वो स्टूडेंट अगर एक बार फेल हो जाता है और उसके बाद सुधर जाता है और सही रास्ते पे आ जाता है और लॉ को इन डेप्थ लॉ की तरह पढ़ता है विद द इंटरप्रिटेशंस विद द एनालिसिस और फिर वो क्वालिफाई होता है तो जिंदगी कुछ और होने वाली है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट फेल होने के बाद भी वो गलती रिपीट करता है कि शॉर्टकट नोट्स बार बार पढ़ लूं और शायद कभी पास हो जाऊंगा, और वो एक दिन हो सकता है कि वो फेल होते होते अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होकर सीएस छोड़कर चला जाए कि मेरे बस की बात नहीं है, अंगूर खट्टे हैं। दूसरी तरफ मैं कहूंगा वो स्टूडेंट्स हैं जो वेल आल से बेरेक पढ़ते हैं, उनके बारे में गाबा सर बताएंगे। थैंक यू सर। सेकंड कैटेगरी अगर मैं बात करूंगा, फर्स्ट कैटेगरी में सर ने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे सर फाउंडेशन लेवल के बाद क्या आते हैं कि उनको शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन में क्या कि आपने एक क्वेश्चन के चार गोले भरे, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, वो एग्जाम क्लियर हो गए। अब मेनली एग्जीक्यूटिव लेवल जो है ना, वो लगा लो कि फाउंडेशन लेवल से जमीन आसमान का फर्क है। अब यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अंदर टोटल मिला के 8 पेपर हैं। अब अगर आपने वहां पर थोड़ी सी भी क्रैमिंग की, आपने शॉर्ट नोट्स यूज किए ना, तो आपके ग्रुप निकलने मुश्किल हो जाएंगे। तो सेकंड कैटेगरी निकल के आ रही कि जो बच्चे बेरेक्ट से पढ़ते हैं, पूरा इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस जो है अगर वो फॉलो करेंगे तो बिलीव मी सर, एग्जाम देने के बाद या लाइफ में कहीं पर भी आप आगे रहोगे ना, आप कभी मार नहीं खाओगे। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, लॉ के अंदर भी ऐसा है और मेरे टैक्सेशन के अंदर भी ऐसा है कि जब लॉ बनता है तो उसके बहुत सारे मीनिंग है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोमा है, या मान लो फुल स्टॉप है, प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट है, एक्सेप्शंस हैं, कंडीशंस हैं, तो हर कोमे का और हर फुल स्टॉप का मीनिंग अलग अलग है। अब आपको क्या कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, या मान लो कोई आपने बुक रेफर की उसके अंदर क्या कि बेरेक्ट है ही नहीं, अब अगर बेरेक्ट ही नहीं है वहां पर सिर्फ समरी दी है तो आपको लगेगा यार लॉ इतना आसान है, मतलब वही एग्जाम देकर आओगे फिर बाहर आकर लगेगा मुझसे गलती हो गई। तो सिंपल सी बात यह कि जब भी आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ना है ना, अपने माइंड में यह चीज लेके चलना सर, इंटरप्रिटेशन आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम का लेवल फाउंडेशन वाला नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी के बच्चे जो होंगे उनके अंदर एक अलग जुनून होगा, एक जोश होगा, एक अंदर से ही आग लगी होगी मुझे लाइफ में सीएस बनना है। और इवन मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, अगर फाउंडेशन आपका आज क्लियर हुआ है तो आज से आप 2 साल का टारगेट लेकर चलो या 2.5 साल का लेकर चलो कि इस दिन जो होगा मैं सीएस बन जाऊंगा, और वो सीएस सिर्फ तभी बढ़ पाओगे अगर स्टार्टिंग से ही सही गाइडेंस मिली है, सही डायरेक्शन मिली है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है सर, बहुत सारे बच्चे आते हैं 3-4 बार फेल होने के बाद ना वो ये कहते हैं सर गलती हो गई, अब बताओ अब क्या करें, या तो क्विट करेंगे या हमें समझ में नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग से अगर आपने सही डायरेक्शन या सही गाइडेंस में पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, आप एक दिन अप्रिशिएट करोगे कि सर सही टाइम में सीएस भी बन गई है, पैकेज भी अच्छा है, और आज एक्चुअली पता लग रहा है कि हमारी डिग्री की वैल्यू क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर जो गजरानी सर का एक्सपीरियंस है, इवन जब 20 साल हो चुके हैं सर को पढ़ाते हुए, तो मैं तो उस टाइम 7-8 साल का ही था, मतलब 20 साल सर का एक्सपीरियंस जो है, और 20 साल में जब हम सीए के अंदर भी थे ना तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने सर सीए फाइनल की कोचिंग ली थी। तो उस टाइम देखो दो चीजें होती है सर जो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने टीचिंग लाइन के अंदर सीखा, एक होता है आप टॉप पे जाते हो और टॉप पे बने रहते हो, तो टॉप पे जाना और टॉप पे बने रहना उसका लाइव एग्जाम्पल जो है ना वो साथ में गजरानी सर मेरे बैठे हैं। मतलब 20 साल से सर एक टीचर टॉप पे है और टॉप पे ही बना हुआ है, उसका रीजन क्या है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है कि हर वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आपको सेकंड कैटेगरी का बच्चा बनना है सर, फर्स्ट कैटेगरी का बच्चा नहीं बनना। बाकी आपकी सर देखो लाइफ आपका है, करियर आपकी है, वो आप डिसाइड करोगे आपने जाना कहां है, बस सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें इतना पता है कि जो बच्चा वहां से, देखो ऑब्वियस बात है सर भी वहां से यहां पर और मैं भी वहां से यहां पर हूं, तो फील होता है ना कि बच्चों को दिक्कत कहां पर आती है, तो फिर वही मतलब बच्चे को गलत डायरेक्शन ना मिले, सही डायरेक्शन स्टार्टिंग से मिले, तभी आज हम यहां पर आए हैं कि चल कल बच्चे का रिजल्ट आया है तो आज उसको सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन में उसको यहां पर पूरी गाइडेंस की जाए कि आपको स्टार्टिंग से
बेयर एक्ट फॉलो करके चल रहे हैं, उसके एनालिसिस होंगे, डायग्राम होंगे, वो सारी की सारी बातें हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करके चलते हैं। बाकी अब बेयर एक्ट पढ़ने का फायदा क्या होता है वो सर से बढ़िया कोई आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि जो सर के स्टूडेंट्स हैं वो बिग फोर में एमएनसी कंपनी में कहां कहां पर काम कर रहे हैं, तो आपको अब सर एक बार खुद उनके बारे में बताएंगे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो गाबा सर ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरी, लेकिन एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा ना एक मिशन के ऊपर काम करता रहा हूं जिंदगी में। टॉप पे हूं या नहीं हूं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक मिशन पे काम करता रहूंगा कि सब बच्चों को ऑल ओवर इंडिया सबको ना बेयर एक्ट बहुत सॉलिड तरीके से सेक्शंस सब सेक्शंस रूल्स वो बाल की खाल निकालनी आनी चाहिए और फिर खाल की खाल निकालनी आनी चाहिए। और जैसे सर ने अभी बोला कि वो कॉमा एक कॉमा इधर का इधर शिफ्ट कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन बदल जाती है, हमारी जो लीगल टर्मिनोलॉजी है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सो एंड सो सेक्शन विदाउट प्रेजुडाइज टू या सब्जेक्ट टू सो एंड सो प्रोविजन, उन सब चीजों को आपस में लिंक करना, वो फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो, उसके ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं क्लास के अंदर। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत मेहनत कर चुके हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग विल जैसे अभी बता रहे थे गावा सर बहुत हाइट्स अचीव कर चुके हैं। अब वो कुछ स्टूडेंट्स अमरचंद मंगल दास में है विच इज नंबर वन लॉ फर्म ऑफ इंडिया, निशित देसाई में है विल टॉप 10 लॉ फर्म्स में है, वैश एंड एसोसिएट्स में है, बिग फोर सीए फर्म से मैं बोलता हूं तो अर्नेस्ट एंड यंग में मेरे स्टूडेंट्स हैं, विल डेलॉयट में है, पीडब्ल्यूसी में है, केपीएमजी में है, दिल्ली की जो नंबर वन बेस्ट सीएस फर्म्स हैं कॉरपोरेट प्रोफेशनल है वहां स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं या वहां पर एज मैनेजर वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने वो सही रास्ता पकड़ा ना इंटरप्रिटेशन का वो सही जगह जिंदगी में पहुंच भी गए हैं, और मेरे दिल को इतनी खुशी होती है उनको देखकर कि वो माउंट एवरेस्ट पे बैठे हैं ऑन द माउंट एवरेस्ट ऑफ द सक्सेस। तो आई रियली वॉन्ट कि आने वाली जनरेशन भी वो सही रास्ते पे चले और उसी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे, और जहां पास्ट में स्टूडेंट्स ने अचीव किया तो आप लोग भी वो अचीव करो। एंड वेल एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा सर के लिए भी, वेल सर जितना दिल लगाकर टैक्स पढ़ा रहे हैं ना और जो इनका एनर्जी लेवल है जिस जोश के साथ पढ़ाते हैं ना और जो टैक्स को घुसा देते हैं जीएसटी को खून के अंदर घुसा देते हैं, बहुत रेयर ऐसा कोई टीचर मिलता है जो इतनी ईमानदारी से चाहता है और पूरे जोश के साथ पूरे दम के साथ जो स्टूडेंट के अंदर पूरा ब्लड में वो जीएसटी घुसाने की और टैक्स घुसाने की कोशिश करता है। सीएस की कम्युनिटी के लिए मैं कहूंगा वेल विवेक गावा सर का आना वेल एक तरीके से वरदान है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट वे। आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स इन माई ओन अकेडमिक करियर, बट आई टेल यू वन थिंग वेल आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज वेल बीन इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन द सीएस स्टूडेंट्स। और 200 घंटे जो क्लासरूम में पूरे जोश के साथ मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के अंदर टैक्स घुसा देना हर किसी के बस की बात है नहीं, जो गावा सर बहुत लंबे टाइम से अब कर रहे हैं। थैंक यू सर, ये सारा एनर्जी लेवल अगर मैं सिंपली बोलूं आपको देख के ही आता है सर, क्योंकि 20 साल से मतलब मैं पहले भी कहा कि जब हम आईपीसी के अंदर थे फाइनल हमने किया और उस टाइम से हम सर को देखते रहे, और मतलब जिस टाइम हम सीएस में पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो स्टार्टिंग से एक ड्रीम था कि कभी ऐसा दिन होगा कि सर के साथ मतलब पढ़ाऊंगा या लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सही काम करते रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पहुंचना चाहते हो। और जब मैं सर के साथ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो जब सर का एनर्जी लेवल मैं देखता हूं कि रात को बुक्स पे लगे रहना दिन भर बुक्स पे, मतलब बिलीव में बच्चों के लिए अगर किसी ने काम किया है सीएस के लिए एक्चुअल में काम किया और इंटरप्रिटेशन के साथ काम किया ना, उनका लाइव एग्जांपल सर यहां पर मेरे सामने बैठे हैं और इन्हीं को देख के सर मोटिवेशन आता है। ऑब्वियसली बात है बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं 300-400 की गैदरिंग क्लास में होती है, जो उनका एनवायरमेंट है वहां से एनवायरमेंट आता है और पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी आप किसी को देख कर लेते हो। अब मान लो मैं एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं सर, एनर्जी के साथ मैं सिर्फ तब पढ़ा पाऊंगा अगर सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा या कोई आपका आइडियल होगा या किसी को देखकर आप पढ़ाना सीखते हो, तो वही आइडियल 2-3 लोग होते हैं आपके लाइफ में पढ़ाने के, तो जिसमें एक सर को देख के एनर्जी बहुत मिलती है कि नहीं अगर सर इस लेवल पे इतना काम करे तो सर मेरा हार्डवर्क तो कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली बात है। और अगर मैं कंपनी लोग की बात करूंगा या आपके सेटिंग का या जनरल लोग की बात करूंगा सर, कंपनी लोग का मुझे बताने की वैसे जरूरत है नहीं कि आपने लाइफ में इवन इंडिया में ना एक ही नाम सुना होगा कंपनी लोग के बराबर इतना दीपक गजानी सर, मतलब कंपनी लोग को ना कहीं पर भी आप रखोगे तो सिर्फ एक ही नाम आएगा सर। मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब क्लासेस मतलब देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूं और ऑलवेज बस माइंड में एक ही नाम आता है कंपनी लोग का, मतलब सिर्फ दीपक गजानी सर है जो उनकी इंटरप्रिटेशन है। आपको सर जब आप फाउंडेशन के बाद यहां पर आओगे ना आपको एक्चुअल फीलिंग आएगी कि लो होता क्या है,
और ये सारी की सारी आपको इंटरप्रिटेशन हो गया, हर लाइन का मतलब क्या होगा, उसका एनालिसिस क्या होगा, लो क्यों बनता है, लो बनने के रीजन क्या है, आज प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी सारी कंपनीज चल रही हैं, वो कंपनी लोग कैसे फॉलो करती हैं, सारी की सारी बातें सारी बिग फोर में जब आप जिस दिन पहुंचोगे ना आपको वहां पर बहुत काम आने वाली है। और वो सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें आपको क्लास में सर के यहाँ पे देखने को, मतलब सर के यहाँ पे सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जर्नल लो या सेटिंग अप की, सेटिंग अप जो आपका सेकंड पेपर है वो भी कंपनी लो का आई थिंक सर पार्ट है। अब कंपनी लो में से ही वो निकला है, इट मीन्स आप सेटिंग अप को अलग मत समझना, सेटिंग अप भी आपका कंपनी लो है, बाकी उसकी डिटेल जो है वो सर आपको बताएंगे क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। अरे सेटिंग अप में 50 मार्क्स का जो है वो सर कह रहे कंपनी लो है, तो सिर्फ ये बात ध्यान रखना सर आपको मैं इतनी मतलब जो मेरा दिल ये बात कहता है कि कंपनी लो अगर आपने एक बार इंटरप्रिटेशन सीख ली ना सर, ऑलवेज ध्यान रखना कि सीएस का मेन कोर एरिया जो है वो आपका कंपनी लो ही है। और अगर उसकी बैकबोन आपकी सही नहीं होगी, आपका बेस सही नहीं होगा, आपको अभी पता नहीं लगेगा, जब जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाओगे बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी सर। इवन बहुत सारे बच्चे ना, मैं बस सर को थैंकफुल बोलता हूं कि आपने वीडियो लेक्चर सर ने निकाले हैं, और बहुत सारे सीएस बनने के बाद सर के वीडियो लेक्चर लेते हैं, क्यों, उनकी डायरेक्शन पहले सही नहीं थी। तो मैं ऑलवेज ये बात करता हूं कि अगर वही डायरेक्शन पहले से उन्हें पता होता ना तो मे बी उनकी लाइफ स्टाइल कहां से कहां पहुंच जाती। तो आपको अपनी डायरेक्शन सही लाइन अभी से चुननी है कि भैया हमसे गलती ना हो कि भैया अभी से स्टार्टिंग बेस्ट लेकर चले कि जो बेस्ट है वही बेस्ट डायरेक्शन हमें देगा और वही हमें आगे पहुंचाएगा। तो मैं आपको ऑलवेज मतलब जितने फाउंडेशन के बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया सभी को हम दोनों वेलकम करते हैं, आप आओ एनर्जी के साथ पढ़ो और एक अलग लेवल पर आपका जब एजुकेशन जाएगी ना आप उस दिन थैंक्स बोल के जाओगे, अप्रिशिएट फील करोगे कि नहीं सर जो आपने फर्स्ट डे बोला था ना आज हमें फील हो रहा है कि एक्चुअल में नॉलेज होती क्या है। तो चाहे वो कंपनी लो है, चाहे वो टैक्सेशन लो है, सेटिंग अप है, जर्नल लो है, सारी की सारी आपको यहां पर नॉलेज परफेक्ट दी जाएगी। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, हर लाइन का मीनिंग क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होंगे, वो सारी बातें हम क्लास में एनर्जी के साथ डिस्कस करके चलेंगे। अब अगर मैं अपने चारों पेपर की बात करता हूं, हमारे दो मोड आप सभी को पता है, फेस टू फेस एंड सेकेंड मोड जो हमारा निकल के आता है वो ऑनलाइन मोड है। अब फेस टू फेस और ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा फर्क क्या है, मैं आपको एक बार सर को माइक दूंगा कि आप बच्चों को फर्क समझाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना सर डाउट ही होता है कि फेस टू फेस क्लास लेनी चाहिए या ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, इनके अंदर दोनों का मेजर फर्क सर प्लीज आप एक बार बच्चों को बताओ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, गाबा सर ना आजकल एक एमसीक्यू बुक के ऊपर काम कर रहे हैं एंड इनकी पहले भी एमसीक्यू बुक थी, उसके अंदर कुछ 3,500 क्वेश्चन पहले भी थे और अभी वो डबल साइज की होने वाली है, 7,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर द टैक्स पेपर। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर नहीं मालूम, कि टैक्स का पेपर अभी भी वो एमसीक्यू स्टाइल में रहेगा, बाकी तीनों पेपर आपके टेक्स्ट फॉर्म में है लेकिन टैक्स का पेपर आपका एमसीक्यू स्टाइल में है, तो उसके लिए वो तैयारी की बहुत जरूरत है। और मैं कहूंगा ढूंढ ढूंढ के हीरे हीरे जैसे क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हैं और बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और उस बुक के अंदर डाल रहे हैं, उसके ऊपर ना मेहनत चल रही है दिन रात। मैं जानता हूं वो बहुत दम लगता है उस मेहनत के अंदर, जब रातों को बैठकर ना, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैठकर क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, हार्डवर्क, जुनून चाहिए होता है ऐसी बुक बनाने के लिए। बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हम बना देंगे, हम कर देंगे, लेकिन जब एक्चुअल मेहनत हो रही होती है ना, वो अपनी रातें पूरी पूरी लगाई जा रही होती है इन कामों के लिए, तो वो शक्ल पे भी नजर आता है। और मैं कहूंगा साथ में स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलता है, द टीचर्स डू देयर हार्ड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर स्टूडेंट्स ओनली। तो हमारी तो यही तमन्ना है कि आप लोगों का फ्यूचर अच्छे से अच्छा बने। फेस टू फेस क्लासेस का अपना एक मजा है, इंट्रैक्शन है, जो आपने सामने बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर होता है, वी आस्क द क्वेश्चंस, द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, आधे लोग एक आंसर देते हैं, आधे लोग एक आंसर देते हैं, या आपस में बट जाते हैं, 3-4 आंसर आते हैं, फिर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं कि ये आंसर सही है ये गलत है। उस कंफ्यूजन के प्रोसेस में से बाहर निकलते हैं, एक फाइनल करेक्ट आंसर निकल कर आता है, फिर उस करेक्ट आंसर को एनालाइज किया जाता है कि वो करेक्ट क्यों है, वही आंसर करेक्ट क्यों है और बाकी 3 आंसर इनकरेक्ट क्यों थे। तो वो सब कुछ जब जो मेंटल प्रोसेस चलता है ना क्लास के अंदर, उसका एक अलग मजा है। और फिर जितने स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं ना क्लास के अंदर, उनको फील होता है यार ये इतना बड़ा समंदर है जिसमें हम सब मछलियां हैं और एक साथ तैर रहे हैं, तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना क्लास का और स्टूडेंट्स का भी, वो एक अलग लेवल आ जाता है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल कि हम सब लोग एक साथ हैं। हाँ, थोड़ा सा फन पार्ट भी होता है एट द सेम टाइम, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर बाद उसके बाद भी बाहर निकलकर भी, बट एट द सेम टाइम
ऐसा लगता है कि यार हम अकेले नहीं है जो घर बैठकर सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है इतने सारे लोग हैं ना हमारे साथ, सब लोग सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और सब लोगों का एक ही एम है कि कंपनी सेक्रेटरी बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, एक दिन वेल खानदान में मम्मी पापा का भी नाम करना है, अपना नाम भी रोशन करना है और मम्मी पापा को भी प्राउड फील करवाना है, और एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में ना कुछ करना है बड़ा। तो जब सब लोग मिलकर एफर्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक फेस टू फेस क्लास का अपना एक मजा है, अलग तरीके का, और एक डिसिप्लिन है, शेड्यूल के हिसाब से बैठकर 8 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर शाम को जाकर रिवाइज करना है या अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करना है। तो वो जो एक कंसिस्टेंट शेड्यूल बनता है फेस टू फेस क्लास में, वेल दैट इज रिमार्केबल। जो मैं कहूंगा, मुझे कई बार लगता है कि गूगल लिंक क्लास में या पेन ड्राइव क्लास में या वीडियो लेक्चर क्लास में वो मिस होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप घर बैठकर सब चीजों को आसान और इजी गोइंग तरीके से लेने लगते हो और शेड्यूलिंग नहीं करते हो अपनी और मस्ती में पढ़ाई चल रही है तो वो सब बर्बादी है। फिर मैं कहूंगा पैसे की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है और अपनी खुद की जिंदगी खराब कर रहे हैं, अपना सेमेस्टर खराब कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और 6 महीने के बाद फिर सब कुछ अपडेट हो जाना है, फिर सारे लेक्चर्स अपडेट हो जाने हैं, और फिर वो स्टूडेंट्स देखता हूं मैं जो 6 महीने के बाद कहते हैं अब अमेंडेड लेक्चर दे दो, अमेंडेड बुक्स दे दो, अपडेट करके दे दो, वो पहले ना हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो भाई गलती आप ही की है कि आपने पहले घर बैठकर इतनी मस्ती में पढ़ा क्यों था। तो अगर आप पहली चीज बोलूंगा वीडियो लेक्चर्स अगर आप अवेल करते हैं, मैं कुछ रेयर केसेस में सजेस्ट करता हूं कि गूगल लिंक या वीडियो लेक्चर लेना चाहिए। अगर आप ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड हैं, आप फेस टू फेस क्लासेस तक पहुंच ही नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है, तो गूगल लिंक क्लासेस आप तक पहुंच जाती हैं, पेन ड्राइव क्लासेस आप तक पहुंच जाती हैं, विच इज गुड। या फिर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती है, कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, तो शाम को बैठकर पढ़ना चाहते हो और तब फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो जरूर ले लो। वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब में है और फेस टू फेस नहीं आ सकते लेकिन सीएस करने का जुनून है, तो वो लोग ले सकते हैं गूगल लिंक क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस। ट्रेनिंग, जो लोग ट्रेनिंग में आर्टिकलशिप में फंसे हुए हैं वो लोग ले सकते हैं, बाकी सबको तो नहीं करना चाहिए, आई रिकमेंड। और एट द सेम टाइम हम लोग एनालिटिकल बुक्स भी बना रहे हैं एंड नाउ आवर बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऑल्सो। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, कंपनी लॉ की बुक्स विद फुल अमेंडमेंट्स, अप टू डेट बुक्स, टैक्स की बुक्स, सेटिंग ऑफ बिजनेस की बुक्स, ज्यूरिसप्रूडेंस की बुक्स विद फुल अमेंडमेंट्स, अपडेटेड बुक्स फॉर योर कमिंग एग्जाम्स इन दिसंबर 2019। और हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं थ्रू यूट्यूब चैनल, और आप गाबा सर को तो बहुत रेगुलर देखते हो, मुझे कभी कभी देखते हो आप। हाँ, आई विल बी इंटरेक्टिंग वेरी कॉन्टिन्यूअसली विद द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया फॉर थ्रू दिस यूट्यूब मीडियम फॉर योर बेनिफिट, अमेंडमेंट्स के थ्रू, अमेंडमेंट्स और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के थ्रू काफी कुछ डिस्कस करता रहूंगा आपके साथ, ताकि जो नॉलेज जिस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो फेस टू फेस क्लासेस में, जिनके लिए मजबूरी है, जो आ नहीं सकते हैं, उनको अपनी लोकेशन पे बैठे बिठाए कुछ ऐसी क्वालिटी नॉलेज मिले जो उनके प्रोफेशनल करियर में उनके काम आनी चाहिए। दैट इज अवर मिशन एंड वी से दैट आप लोगों की हेल्प करना टू मेक यू बेस्ट एंड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम यू इज द मिशन ऑफ बोथ ऑफ अस। सो हम दोनों दिन रात लगे हुए हैं और 600 घंटे पढ़ाने की मेहनत करते हैं हम लोग आपको। वेल इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वन और ग्रुप टू के अंदर मैं कहूंगा और एड ऑन मेहनत है। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कहूंगा गाबा सर करेंगे अभी। अनाउंसमेंट जितने भी ऑल ओवर इंडिया, कल जो हमारा रिजल्ट आया 25th को, ऑल ओवर इंडिया जितने भी सीएस फाउंडेशन के रैंक होल्डर हैं, लास्ट टाइम भी हमने अनाउंसमेंट की थी स्कॉलरशिप की, और इस पर वंस अगेन वही अनाउंसमेंट हम यहां पर करने जा रहे हैं कि जो भी ऑल ओवर इंडिया फाउंडेशन के जितने भी रैंक होल्डर हैं, चाहे वो आपने यहां से पढ़ा है नहीं पढ़ा, ऑल ओवर इंडिया आपने कहीं से भी क्लास ली है, इवन सेल्फ स्टडी भी की है, हम दोनों सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं सर। हमारी तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट, जो आपने इतना हार्डवर्क किया फाउंडेशन में, हमारी तरफ से गिफ्ट ये रहेगा कि आपको फ्री कोचिंग यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, कोई बुक्स की कॉस्ट भी नहीं होगी, ना ही कोई क्लासेस की कॉस्ट होगी, सिर्फ आपको आना है, बैठना है, इंटरप्रिटेशन सीखनी है, नॉलेज लेनी है और एग्जाम क्लियर करने हैं, बट कमिटमेंट ये करके आना कि अगर हमारा फाउंडेशन में रैंक है ना तो एग्जीक्यूटिव में रैंक आना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ये ना कहें कि यार उसका किस्मत अच्छी थी तो फाउंडेशन में रैंक था,
तो ऑलवेज बस ये बात है ना कि अगर फाउंडेशन में रैंक है सर, फ्री क्लास आपको मिल रही है तो इसको लीनियन मत लेना कि यार फ्री मिल रहे, चल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है, पैसे तो हमारे जिसमें जा ही नहीं रहे। अगर ये सोच के आप यहां पे आओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी सर। ये सोच के आओगे कि सर ने इतना बड़ा गिफ्ट हमें दे दिया, इतनी बढ़िया नॉलेज हमें ऐसे दे दी है, तो आपको उसको यूज करना है सर, और यूज सिर्फ तभी होगा अगर आप एग्जीक्यूटिव में रैंक लेके आओगे, आगे बढ़िया सीएस बनोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे, और फिर एक दिन आप यहां पर थैंक यू बोलने के लिए आओगे, फिर वो दिन आऊगा कि यार जो हमने काम किया था ना, मतलब जो बच्चों के लिए सोचा था आर एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया काम था। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑल ओवर इंडिया अपने दोस्तों को जिनका भी रैंक है, मोस्ट वेलकम है आप सभी के लिए। और ये स्कॉलरशिप जो है वो 2 या 3 दिन के लिए ओपन होगी, कब तक एक बार ओपन होगी मैं एक बार सर को माइक दूंगा, वो सर बताएंगे। 10 दिन, मतलब सर के 10 दिन तक यह चलेगा, 10 दिन के बाद यह क्लोज हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है 400-500 की गैदरिंग क्लास में रहती है, मतलब 400-500 बच्चे हो जाते हैं तो सीट भी लिमिटेड होती है। तो प्लीज आपको अभी से स्पेशली अपना बुकिंग करा लेनी है कि जो भी रैंक होल्डर है आप यहां पर आइए, मोस्ट वेलकम है। सारी बुक्स एंड सारी कोचिंग हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लास जो होंगी वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगी, उसका भी कोई चार्जेस आपका नहीं होगा, ठीक है जी। बाकी अगर आपको क्लासेस के लिए कोई भी कॉन्टेक्ट करना है, यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप फेस टू फेस क्लास, ऑनलाइन क्लास, कोई भी क्लास आपको चाहिए आप यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी बच्चे कह रहे हैं सर जिनका रैंक नहीं है उनके लिए क्या फायदा है, मतलब अगर हमारे अच्छे मार्क्स है बाईचांस हमारा रैंक रह गया तो उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। मैं एक बार सर को माइक दूंगा, वो एक बार अनाउंस करें कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आए हैं प्लीज कॉल देम, प्लीज कम टू अवर ऑफिस, विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और ये कुछ आपको फोटोग्राफ्स जो अभी दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर, वेल ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने लास्ट टाइम स्कॉलरशिप दी थी, जो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं दिल लगाकर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी सीरियल ऑर्डर में, ट्रेन देखो ट्रेन चल पड़ी है और हम चाहते हैं कि आप भी उस ट्रेन में सवार हो जाएं। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी हमारे साथ, 600 घंटे हम पढ़ाते हैं आपको, हमारे साथ 600 घंटे पढ़ना है। और मैं कहूंगा कि इंटरप्रिटेशंस में हम चाहेंगे कि हम अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे बिठाना चाहते हैं तो वहां तक का जाने का जो सफर है वो आप हमारे साथ चढ़ो, और हम तो उंगली पकड़ाकर साथ में ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। तो वेल वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, बट यू हैव टू वेल डू अ लिटिल बिट ऑफ द हार्ड वर्क विद अस। और 50 स्टूडेंट्स हम एक बार अनाउंस कर दें, क्लैरिफाई कर दें, इट इज फॉर द टॉप 50 स्टूडेंट्स दैट वी आर गिविंग द रैंक। और मैं इस बार चेक कर रहा था, वेल वी आर गिविंग द स्कॉलरशिप टू द 50 टॉप स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने इस बार चेक किया अभी दैट टॉप 12 रैंक्स, अगर मैं ऑल इंडिया रिजल्ट देख रहा था वो रैंक होल्डर्स का, तो सीरियल नंबर 1 to सीरियल नंबर 12 तक जो रैंक है उसमें ही 60 टॉपर्स आ जाते हैं। तो पहला हक मैं कहूंगा उन 50 या 60 बच्चों का है, उन 60 स्टूडेंट्स का है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 12 के बीच में है, दे आर टोटल 60 स्टूडेंट्स। हाँ, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कि हमारे पास उसमें से कुछ आउट ऑफ 50 स्कॉलरशिप्स, अगर कुछ स्कॉलरशिप्स बच जाती हैं जो टॉप 12 रैंक होल्डर्स ने क्लेम नहीं की हमसे, अगर कुछ बच जाती हैं तो हम रैंक 13, रैंक 14, 15, 17, 18 जो आगे भी फर्दर रैंक्स हैं उनको भी वो स्कॉलरशिप्स पास ऑन कर सकते हैं, वो स्कॉलरशिप बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट फोकस जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 to रैंक 12 के बीच में जो टॉप 60 स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर है। बट आल से जिनकी रैंक्स नीचे की तरफ आई है वो लोग उदास ना हो, दे स्टे इन टच विद अस। As we are saying, we are open for 10 days. You file your applications. कुछ students already telephonically हमारे पास contact कर चुके हैं, बाकी students को भी कहूंगा कि आप भी हमारे साथ touch में रहिए, and all the best for your future. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, all the very very best। और यही कहेंगे आइए मुलाकात करिए, knowledge लीजिए और best company secretary बनिए all over India के। Thank you so much, मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। अब हमारी YouTube पे सर की भी एंड मेरी वीडियोस आती रहेंगी, उसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो हर बच्चे के साथ, क्योंकि सर कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग जरूर मिलती है। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय माता दी।